आज मैं हूँ कानपुर जू में। ये है एशिया का सबसे बड़े जू में से एक है और यहाँ पे काफ़ी बड़ा जू है, काफ़ी सारे जानवर हैं, काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है। तो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि कैसा है कानपुर जू। कानपुर जू 57 हेक्टेयर की जगह पे बना हुआ है और यहाँ पे 123 प्रजातियों के जानवर हैं और टोटल 1448 जानवर इस जू में मौजूद हैं। ये जू सबसे बड़ा जू है नॉर्थ इंडिया का और ओपन स्पेस में बना हुआ सबसे बड़ा जू है यहाँ का। जानवर यहाँ पे खुले स्पेस में हैं, ऑफकोर्स आप केज के पीछे, बट फिर भी खुले स्पेस में हैं और ये जू काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा जानवरों से भरा हुआ जू है। देखते हैं कैसा। मैं बंदरों के एरिया में हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे काले चेहरे वाला बंदर, लंगूर भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, देख सकते हैं। तो मेरे पीछे है ये पंछी एरिया और आप देख सकते हैं कितना बड़ा केज है। मुझे जुरासिक पार्क 3 मूवी की याद दिला रहा है, उसमें भी ऐसे ही पंछी का बहुत बड़ा केज था और अंदर काफ़ी पंछी हैं जो आज़ादी से इसके अंदर उड़ सकते हैं और इंसानों को केज में रह के चलना होगा। तो देखते हैं कैसा है पंछी विहार। पीछे जंजीरों का गेट, ये काफ़ी मज़बूत है और काफ़ी ताकत चाहिए इसको सरकाने के लिए, तो ही तभी आप इसके पंछी एरिया के अंदर आ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ये इंसानों को केज के अंदर चलना पड़ रहा है, पंछियों के लिए बड़ा काफ़ी बड़ी जगह आप देख सकते हैं खुली है जिसमें ये लोग चल सकते हैं, उड़ सकते हैं पंछी, जो इंसानों को अंदर केज में रहना है और ये खुले, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जानवरों के लिए, उनको बंद महसूस नहीं होता होगा। पीछे देख सकते हैं लेक बनी हुई है, ये काफ़ी अच्छा है जानवरों के लिए, इनके पास लेक है, छोटा सा जंगल है, ये आराम से उड़ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं आज़ादी से, कोई परेशान करने वाला नहीं है और ये काफ़ी खुश लग रहे हैं। काफ़ी खाना यहाँ पे दिख रहा है इनके पास रखा हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के कि ये जानवर बंद पिंजरे में, छोटे से पिंजरे में बंद ऐसी हालत में नहीं है, ये आज़ादी से उड़ सकते हैं। बड़ा सा केज है, हालाँकि स्टिल ये केज के अंदर है, पर फिर भी काफ़ी अच्छा है देख के कि ये काफ़ी अच्छे इन्वायरमेंट में है यहाँ पर। टू हैवी। यहाँ पे एक और बर्ड एरिया है बट हाँ ये थोड़े छोटे से केज में हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी बर्ड्स हैं, क्योंकि ये छोटी बर्ड्स हैं इस केज में इसलिए इनके केज छोटे हैं, पर देखते हैं कौन कौन सी बर्ड्स हैं यहाँ पे। तो ये जू में जानवर नॉर्मल जानवर ही नहीं, डायनासोर भी, आप पीछे देख सकते हैं डायनासोर है, पर समझ में नहीं आ रहा है ये पिछले 5 घंटे से ऐसे देखे क्यों जा रहा है, हिल क्यों नहीं रहा है। मुझे लग रहा है इसे पालतू बनाना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी शांत और सीधा जानवर दिख रहा है मेरे पीछे डायनासोर। ये पीछे मेरे हिमालयन बियर है, हिमालय का भालू, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ठंड के मौसम की कि ज़्यादातर जानवर अंदर से निकल के बाहर आते हैं, धूप सेकते हैं, तो काफ़ी चांसेस हैं आप जानवर यहाँ देख सकते हैं इस मौसम में बाहर। ये काफ़ी अच्छी जगह है पिकनिक के लिए, कई सारी फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई हैं और ये एक बीच का एरिया है जहाँ पे सब बैठ के खा पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, पूरी फैमिली देख सकते हैं पीछे। यार ये मेरे शेरू को मैंने घर पे छोड़ा था, यहाँ पे कौन लेके आ गया,
पालतू बना के रखे हुए हैं मैंने 10-15, पर पता नहीं कौन है, निकल के देखते हैं। चीते का केज है और चीता पीछे है और बस लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, आगे नहीं आ रहा है। पैसे खर्चा किए हैं, कम से कम आगे आके अपने दर्शन तो दे दो चीता साहब। नो चांस, बस पीछे ही शर्मा के बैठा हुआ है, लेफ्ट राइट घूम रहा है। मेरे पीछे टॉय ट्रेन का स्टेशन है और इसकी टिकट की कीमत है 50 रुपये बड़ों के लिए, 25 रुपये छोटों के लिए। ये टिकट आपको अलग से यहाँ पे लेना पड़ेगा अंदर आके, क्योंकि बाहर जो इंट्रेंस है वो 60 रुपये का है इस पूरे चिड़ियाघर का, और वो 60 रुपये का टिकट लेके आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं अंदर आके। और पर इसके लिए आपको 50 रुपये का टिकट और लेना पड़ेगा अगर आपको टॉय ट्रेन पे घूमना है। और डायनासोर मिले हैं, पर ये कुछ अलग दिख रहे हैं, ये थोड़े आक्रामक दिख रहे हैं, पहले जैसे शांत नहीं है, और ये लग रहा है आपस में जंग करने जा रहे हैं। अब मैं जा रहा हूँ रात्रि चर्च जीप देखने, वो जीप जो रात को निकलते हैं, उनके लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी सी गुफा ऐसी बना के रखी है ताकि रात का एनवायरनमेंट रहे, तो देखते हैं एक्सप्लोर करके। नॉक्टर्नल एरिया काफ़ी अंधेरा था अंदर, रात्रि से और जीवों का एरिया काफ़ी अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे भूल भुलैया में टहल रहे हैं, भूतिया घर में टहल रहे हैं, बस कुछ उल्लू दिखे और एक आध छोटे मोटे जीप दिखे। तो अब मैं पहुंच चुका हूं मछली घर फिश एरिया एक्वेरियम, और उम्मीद करता हूं कि यहां पे कुछ अच्छी मछलियां हों, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम यहां पे आया था तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, पर अब ये बन चुका है। ये बहुत पहले की बात है, पर अब ये काफ़ी पुराना हो चुका है, ऑलरेडी बने हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो देखते हैं अंदर क्या खास मछली हैं, खाने के लिए नहीं बस देखने के लिए। इस एक्वेरियम में ज़्यादातर मछलियाँ पालतू मछलियाँ हैं जो आपको किसी भी पेट शॉप से मिल जाएंगी और लोगों के घर में दिखेंगी, तो यहाँ पे कोई ऐसी खास मछली नहीं है जो स्पेशली देखने के लिए यहाँ पर आना चाहिए। मैं सांप घर देखने आया था पर मेरी किस्मत ख़राब है, ये बंद है। तो काफ़ी तरह के यहाँ पे सांप हैं पर देख नहीं सकते हैं क्योंकि सांप घर को बंद कर दिया गया है, किसी ने लगता है किसी को सांप ने काट लिया है।
बब्बर शेर काफ़ी भूरा दिख रहा था, काफ़ी बीमार दिख रहा था, बाल भी काफ़ी झड़े हुए थे, तो क्या करें, ये ज़ू है। तो ये था कानपुर ज़ू, और आपको कैसा लगा ये मुझे बताइए कमेंट में। अच्छा था, काफ़ी जानवर दिखे, काफ़ी नहीं दिखे, काफ़ी चीज़ें अच्छी और कम अच्छी भी थी, बट यस, आप जब जाते हैं बाहर तो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो आप ढूंढना चाहते हैं, पर फिर भी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। कानपुर ज़ू अगर आप आइए तो ज़रूर देखने आइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्रेस लाइक बटन, और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या चीज़ें आपको और देखनी चाहिए, कुछ और सजेशंस, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, बाय।